मौत हुई है। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देखिए किस तरीके से ये दावा किया है और ये बताने की कोशिश की है कि भले ही पुतिन की सेना ज्यादा ताकतवर है लेकिन पुतिन की सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। युद्ध का आज 52वां दिन है। इस युद्ध में यूक्रेन के 3000 सैनिक मारे गए हैं जबकि रूस के 20,000 सैनिक मारे गए हैं, यानी कि यूक्रेन के सैनिकों से कई गुना ज्यादा रूस के सैनिक मारे गए हैं। और इसी वजह से अब रूस की मीडिया ये दावा कर रही है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है क्योंकि पश्चिमी देश रूस का नामोनिशान मिटाना चाहते हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि रूस भले ही पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में कहर ढाने की तगड़ी से तगड़ी तैयारी कर ले फिर भी यूक्रेन का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनबास का मौसम काफी खराब चल रहा है और माना जा रहा है कि यह खराब मौसम यूक्रेन के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है क्योंकि बीते कई दिनों से डोनबास यानी पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में बारिश हो रही है और अनुमान है कि वहां अगले कुछ और दिनों तक बादल बरसते रहेंगे। इसके साथ ही वहां तापमान भी बढ़ रहा है क्योंकि यूक्रेन में गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। इसलिए अमेरिका के रक्षा विभाग के एक सीनियर अधिकारी ने दावा किया कि रूस की सेना जितनी ताकत से और जितनी तेजी से पूर्वी यूक्रेन पर हमला बोलने के लिए बढ़ रही हो मौसम के आगे उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। रूस अपने टैंक और तोपों और हेलीकॉप्टरों के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है ताकि जमीन और आसमान दोनों मोर्चों पर डोनबास को घेर कर उस पर कब्जा जमाया जा सके। पूर्वी यूक्रेन में घुसते रूसी सेना के लंबे चौड़े काफिले का सबूत पेश करती कई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब डोनबास में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां की मिट्टी गीली हो चुकी है और दलदली जमीन जंग लड़ने के लिए बिल्कुल भी मुफीद नहीं। जबकि डोनबास का इलाका विशाल मैदान की तरह है, मतलब काफी खुला है और उसकी जमीन समतल है। सीधे सीधे कहें तो जंग लड़ने के लिए इस तरह का क्षेत्र बिल्कुल फिट होता है क्योंकि वहां सेना की गाड़ियां आराम से चल फिर पाती हैं। लेकिन अगर अमेरिका के रक्षा अधिकारी का दावा सही निकला तो पुतिन के मास्टर प्लान पर पानी फिर सकता है क्योंकि कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से डोनबास की जमीन दलदली हो चुकी है, वहां रास्ते कीचड़ से भर चुके हैं और इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना का काफिला सड़क पर सिमट कर रह जाएगा क्योंकि सेना के भारी भरकम टैंकों, तोपों और बख्तरबंद गाड़ियों का वजन उठाने के लिए ठोस सतह चाहिए होती है और डोनबास के कीचड़ से भरे रास्ते रूस की सेना की मूवमेंट में रोड़ा अटकाएंगे जिन पर उनकी गाड़ियां या तो धस जाएंगी या फिर उन्हें रेंगते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब डोनबास में भी रूस को यूक्रेन के हाथों मुंह की खानी पड़ेगी और उसका वही हश्र होगा जैसा उसकी सेना का यूक्रेन के उत्तर और राजधानी कीव में हुआ था। कीव में भी रूस की सेना पर वहां का मौसम ही भारी पड़ा था क्योंकि फरवरी मार्च में कीव में जबरदस्त बर्फबारी हो रही थी और जमीन पर गिरी बर्फ पूरी तरह जमी नहीं थी, यानी जमीन नरम थी और वो रूस की सेना के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों वगैरह का वजन उठाने के लायक नहीं थी। लेकिन रूस को यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने की इतनी जल्दी थी कि उसने कीव की तरफ कूच कर दिया जिसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि नरम जमीन पर रूस की सेना के टैंक दौड़ ही नहीं पाए और उन्हें सड़क का रास्ता पकड़ना पड़ा। इससे हुआ ये कि रूसी सेना हर तरफ फैल नहीं पाई, उसके टैंकों को लंबे चौड़े काफिले में सड़कों पर ही चलना पड़ा। इससे यूक्रेन की सेना के लिए उनके रूट का पता लगाना बेहद आसान हो गया और उसने जेवलिन मिसाइलें दाग दाग कर रूस के टैंकों को ढेर कर दिया। डेढ़ महीने से चल रहे युद्ध ने यूक्रेन का नक्शा बदल कर रख दिया। वहां रूस ने इतने जोरदार हमले किए कि मारीपुल में कई ऐतिहासिक इमारतों की सूरत बिगड़ गई, जिसके बाद वहां अगर कुछ बचा तो वो था सिर्फ और सिर्फ मलबा, जिसे समेटने के लिए कई लोग जुटे दिखाई दिए। कभी यूक्रेन का इतिहास समेट कर रखने वाली इन इमारतों पर रूस ने ऐसा कहर बरपाया कि उनका हुलिया बिगड़ गया। वहां रहने वाले लोगों ने इसे सबसे खौफनाक हमला बताया। А жена еле ходит. А теперь я ее не могу выйти, вот оттуда еле вытащил. रूसी हमले का असर उस इलाके में मौजूद कई इमारतों पर पड़ा। बताया गया कि ये बिल्डिंगें सैकड़ों साल पुरानी थी। युद्ध के 51 दिन हो चुके हैं लेकिन रूसी सेना अब तक कमजोर माने जा रहे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकी है। इसलिए एक बड़ी खबर है कि जेवलिन मिसाइल जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को अमेरिका से लगातार मिल रही है और जेवलिन से पुतिन की टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने यूक्रेन में इनकी सप्लाई बढ़ा दी,
जिसका एक वीडियो भी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी किया गया, जिसमें अमेरिकी सेना के जवान एक गोदाम से जेवलिन मिसाइलों को निकालकर एक कंटेनर में लोड करते दिखाई दिए। इसके बाद इन्हें मशीनों की मदद से रनवे पर खड़े अमेरिकी सेना के एक जहाज में रखा गया। बताया गया कि इसके बाद करीब 500 मिसाइलों के इस खेप को यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिया गया, जो पुतिन की सेना के लिए खौफ बन चुकी है। और यूक्रेन का दावा है कि जेवलिन के सटीक निशाने की मदद से अब तक उसने रूसी सेना के करीब 700 टैंक ध्वस्त कर दिए, जबकि उसकी सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। क्योंकि ये मिसाइल दो वॉरहेड से लैस होती है, पहली टैंक के रक्षा कवच को उड़ा देती है, जबकि दूसरी टैंक के भीतर जाकर उसे नुकसान पहुंचाती है, यानी दुश्मन के टैंक के पास बचने का कोई चांस ही नहीं रहता। इसलिए यूक्रेन युद्ध में इन मिसाइलों के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है, और युद्ध में यूक्रेन इस मिसाइल के दम पर रूस की सेना से डटकर मुकाबला कर रही है। यही नहीं, कई इलाकों में तो उसने रूसी सेना के इतने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी कि उसे वापस भागने के लिए मजबूर भी कर दिया। वहीं यूक्रेन की फौज ने रूस के सिपाहियों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उनके सिपाहियों ने नई बंदूकों और मिसाइलों के साथ अलग अलग ट्रेनिंग कैंपों में अभ्यास किया, जहां उनका हौसला बढ़ाने के लिए सेना के अधिकारियों ने पहले उनसे बात की और फिर अपने कंधों पर बंदूक थामे जवान आगे बढ़ गए। पोजीशन लेने के बाद जैसे ही उन्हें इशारा मिला, उन्होंने मिसाइल दाग दी। ट्रेनिंग कैंप में मौजूद जवान जोर से भरे नजर आए, जहां उन्होंने रूस के सैनिकों को खुली चेतावनी भी दी। इस तैयारी में दुश्मन सेना पर सामने से गोलीबारी करना भी शामिल था। इस दौरान यूक्रेन के सैनिकों को बंकरों में छिपकर दुश्मन पर लगातार फायरिंग करने और अपने साथियों को कवर फायर देकर उन्हें आगे बढ़ाने के तरीके भी सिखाए गए। यूक्रेन युद्ध के बीच बल्गेरिया और हॉलैंड के लड़ाकू विमानों ने बल्गेरिया के ग्राफ इग्नोटिका में अभ्यास किया। इस महीने की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने अपने 4 लड़ाकू विमान 100 कर्मचारियों के साथ बल्गेरिया भेजे थे, जिन्होंने वहां पहुंचने के बाद ग्राफ इग्नोटिको एयरबेस पर बल्गेरिया की वायुसेना के साथ मिलकर आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में बल्गेरिया के 2 F-35 लड़ाकू विमान नीदरलैंड्स के 4 MiG-29 विमानों के साथ शामिल हुए, जिन्होंने एक एक कर उस एयरबेस से उड़ान भरी। जो तस्वीरें सामने आई उनमें बल्गेरिया के लड़ाकू विमानों के बाद नीदरलैंड्स के MiG-29 ने उड़ान भरी और कई हजार फीट ऊपर आसमान में कलाबाजी कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी किया है। अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन ने डोनबास का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस की सेना सरेंडर करती दिख रही है। रूस की सेना को यूक्रेन सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसके बाद रूसी सेना घुटनों के बल रेंगते हुए यूक्रेन की सेना की तरफ बढ़ती है और फिर सरेंडर कर देती है। ये तस्वीरें आप देखिए, डोनबास ये वो इलाका जिस पर पुतिन की सेना कब्जा करना चाहती है, लेकिन किस तरीके से रूस के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं, घुटनों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ते हुए सरेंडर कर देते हैं। तो ये यहाँ पर यूक्रेन की सेना इस तरह के वीडियो जारी कर रही है सबूत के तौर पर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रूस की सेना सरेंडर कर रही है। यूक्रेन की सेना ने अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए नई रणनीति बना ली। इसके तहत पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस प्रांत की सीमाओं पर जेलेंस्की के जवानों ने घेरेबंदी और तेज कर दी, ताकि रूस की फौज को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए यूक्रेन के जवान चौक चौराहों पर पूरी तरह मुस्तैद दिखे। इस दौरान इन जवानों का जोश हाई दिखा और वो पुतिन की सेना को आंख दिखाते नजर आए। इसका मतलब ये कि आदेश मिलते ही जेलेंस्की के जवान दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, अपनी जमीन से दुश्मन को खदेड़ने के लिए इन सैनिकों ने हथियारों का जखीरा भी जुटा लिया। यूक्रेन के इन सैनिकों का जज्बा देख वहां के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। इस दौरान ये लोग सीमेंट के खाली बोरों में मिट्टी भरते दिखे, जिसके जरिए उन्होंने वहां मिट्टी से भरे इन कट्टों से एक दीवार खड़ी कर दी। कीव पर कब्जे की कोशिश के समय रूस के सैनिक करीब 1 महीने तक कीव के आसपास के इलाकों में डेरा जमाए हुए थे। इस दौरान रूसी सैनिकों ने अपनी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए थे, यहां तक कि उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी को भी तोड़ दिया था ताकि उनकी कोई भी गतिविधि रिकॉर्ड ना हो पाए। कीव में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट आप देखिए।
सैनिक क्यू के आसपास जब घेरा डाल के महीने दिन रहे थे तो किस तरह से मिलिट्री बेस उन्होंने अपना बनाया था और वहां किया क्या था, इस बात की मैं मौके पर तस्दीक करने आया तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये जो पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो बिल्डिंग है इसको उन्होंने अपने कब्जे में लिया था और इसमें वो रहा करते थे, यानी उनके कमांडर और उनके सैनिक यहाँ रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस फैसिलिटी में एक देखिए यहाँ पर छोटा सा गेट हुआ करता था, अब नहीं है गेट, वो उखड़ गया है पूरी तरह से, तो उनको डर था कि यहाँ से कोई अंदर आ सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया लैंड माइन लगाई। वहाँ पर एक देखिए मोर्चा लगाया, जो सामने आपको मिट्टी का ढेर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर बंकर बनाया, वहाँ पर उनके सैनिक तैनात रहते थे। बावजूद इसके उनको इस बात का डर था कि यूक्रेन के सैनिक या कोई रात में यहाँ से अंदर आ सकता है, तो वहाँ पर लैंड माइन लगाई और इन लैंड माइन को डिफ्यूज कर दिया गया है। एक लैंड माइन फट गई थी डिफ्यूज करते समय, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, यहाँ के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं। ये देखिए ये नाली के किनारे किनारे यहाँ पर एक लैंड माइन यहाँ पे लगाई गई थी, इस तरह की लैंड माइन पीछे और इस पूरी फैसिलिटी के चारों तरफ लगाई गई थी, जो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है, पूरी तरह से निकाल दी गई है। अब यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लैंड माइंस थी और इस पूरी फैसिलिटी में जब वो रह रहे थे, आते थे जाते थे, यहाँ सोते थे, तो चारों तरफ चूंकि इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो उन्होंने पहला काम किया सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सीसीटीवी कैमरे ये देखिए तोड़ के एक दो तीन चार, चार की संख्या में सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर नीचे फेंके हुए हैं और एक देखिए ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, वो नीचे की तरफ लटका हुआ है, काम नहीं कर रहा है। और अंदर जब हमने देखा तो सीसीटीवी कैमरे की जो मॉनिटरिंग रूम था वो अंदर है, वो सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो एक तरह से अगर आप देखिए तो इस पूरे इलाके को जब वो मिलिट्री बेस बना करके यहाँ से ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने हर वो पुख्ता इंतजाम किया ताकि उनकी कोई फोटो, उनकी कोई वीडियो, उनके कार्यकलापों का की कोई तस्वीर आम जनता या फिर यूक्रेन की सेना के हाथ न लग पाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको न जाने दिया जाए। और ये देखिए जो शेलिंग उन्होंने की थी उसका नतीजा ये है, लैंड माइन का नतीजा है। तो चारों तरफ यहाँ जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, चूंकि यहाँ पर वो रहते थे तो उतनी ज़्यादा तबाही नहीं है, लेकिन जब वो जा रहे थे तब उन्होंने इस पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया था। तो यहाँ रह रही थी रूस की सेना लगभग एक महीने तक। यूक्रेन की सेना ने जंग के मैदान पर पुतिन को एक और बड़ा झटका दिया। यूक्रेन सरकार का दावा है कि उसके सैनिकों ने कीव के पास रूस के एक और लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया, जिसे पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे अब पुतिन की यूक्रेन के लिए बनाई रणनीति पर भी सवाल उठने लग गए। लेफ्टिनेंट जनरल दिनिस मेरुयेव रूस के 40वें ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिनकी जंग के मोर्चे पर जान चली गई। बताया गया कि राजधानी कीव के पास यूक्रेन की सेना के साथ हुई भीषण जंग के दौरान उनकी मौत हुई। जेलेंस्की सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेना ने युद्ध में अब तक रूस के 7 जनरल मार गिराए हैं। यूक्रेन दावा करता है कि इसी वजह से पुतिन को अपनी सैन्य रणनीति में कई बार बदलाव करना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा करता है कि कई जगहों पर रूस की सेना या तो भाग खड़ी हुई या यूक्रेन के सैनिकों के सामने उसने सरेंडर कर दिया। अपने इसी दावे के बल पर यूक्रेन ने रूस की घेरेबंदी तेज कर दी। और जेलेंस्की सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि अब तक रूस के करीब 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और जंग के मोर्चे पर मरने वालों में रूसी सेना के 40 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें 33 कर्नल रैंक के अधिकारी और 7 जनरल भी हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे थे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू हुए आज 52 दिन हो गए हैं, लेकिन रूसी सेना अब भी यूक्रेन में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई है। यूक्रेन में रूस की सेना को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें रूस के T-72 टैंक पर यूक्रेन की सेना कब्जा करते दिखी। रूस की सेना ये टैंक छोड़कर भाग गई थी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने वहां पहुंचकर टैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये देखिए T-72 टैंक छोड़कर रूसी सेना भाग गई है। काफी ज्यादा नुकसान यहां पर पुतिन की सेना को हो रहा है। 52 दिन बीत चुके हैं और अभी तक यूक्रेन पर कब्जा रूसी सेना नहीं कर पाई है। और ऐसे में देखिए कि जो लगातार हथियारों की मदद यूक्रेन तक पहुंच रही है, ऐसे में यूक्रेन की सेना का मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें T-72 टैंक छोड़कर रूसी सेना भागती हुई नजर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं, यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई रूस के मोस्तकवा वॉरशिप पर हुए हमले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आ रही है।
दावा किया जा रहा है कि काला सागर में डूबने वाले जंगी जहाज पर रूस के परमाणु हथियार भी थे। माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों के साथ ही ये जहाज समुद्र में डूब गया। रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक वॉरशिप माना जाता है मोस्कवा परमाणु हथियारों के साथ इस वॉरशिप के समुद्र में डूबने की खबर को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कीव से अरुण सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। कीव, और क्या जानकारी इसके बारे में? जी प्रीति, काला सागर में तैनात रूस के इस बड़े युद्धपोत का तबाह हो जाना रूस के लिए बड़ा झटका है। और कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन का जो परमाणु प्लान था उसके लिए भी ये धक्का है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार इस तरह की खबरें दे रहा था, लगातार ये लिख रहा था कि ये युद्धपोत जो है वो परमाणु हथियारों से लैस है और उसका तबाह हो जाना पुतिन के परमाणु प्लान के लिए भी एक बड़ा झटका है। दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज के डूबने का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ये हमले राजधानी कीव के दक्षिण दिशा में किए गए। काफी देर तक बमबारी होती रही जिसमें किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। और बाद में ये बताया गया कि यूक्रेन की एक मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई देती रहीं। रूस की भीषण बमबारी से पूरा इलाका दहल उठा, बम बरसते रहे और आग की ऊंची ऊंची लपटें पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेती रहीं। नुकसान की कोई खबर यूक्रेन की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन रूस की फौज ने बयान जरूर जारी किया। रूस ने बताया कि एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें मिसाइलें बनाई जा रही थी। कौन सी मिसाइल बन रही थी ये भी साफ नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये पुतिन के लिए बदलापुर से कम नहीं था। एक दिन पहले ही रूस ने अपना ऐसा जहाज खोया जो उसकी नौसेना की आन बान और शान से कम नहीं था। रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान था और काला सागर में उसके लिए एक बड़ा झटका भी। यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि इस वॉरशिप मोस्कवा को यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल ने निशाना बनाया। माना यह जा रहा है कि काला सागर में हुई घटना का ही अंजाम कीव के पास दिखा, जहां रूस ने उस फैक्ट्री को खंडहर बना दिया जहां नेपच्यून मिसाइलें बनाई जा रही थी। हालांकि यूक्रेन इस मसले पर पूरी तरह खामोश रहा। यूक्रेन ने इस बात पर भी चुप्पी नहीं तोड़ी कि इसी फैक्ट्री में नेपच्यून मिसाइलें बन रही थी या नहीं, लेकिन पता ये चला कि एक दिन पहले डूबने वाले मोस्कवा जहाज के जाने से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा, और ऐसा झटका लगा जिसने उसे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। खबर है कि वॉरशिप पर मौजूद 510 नौसैनिकों और अधिकारियों में 452 की ही जान बचाई जा सकी। खबर तो यहाँ तक है कि रूस के नौसेना के एक बड़े अधिकारी को यूक्रेन ने गिरफ्तार भी कर लिया। मोस्कवा एक ऐसा जंगी जहाज था जो सोवियत संघ के जमाने में डिजाइन किया गया था, ऐसा डिजाइन जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों की तैनाती की जा सकती थी। खतरनाक मिसाइलों से लैस ये वॉरशिप किसी भी दुश्मन को चारों खाने चित करने का दम रखता था। दुनिया में सबसे घातक वॉरशिप में गिना जाने वाला मोस्कवा काला सागर में समा गया और रूस देखता रह गया। 2014 में रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था, उसी वक्त से मोस्कवा को क्राइमिया की सीमा पर काला सागर में तैनात किया गया था। किसी के लिए ये सुनना भी हैरान करने वाला है कि यूक्रेन की एक एंटी शिप मिसाइल ने मोस्कवा को नष्ट कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये कि डूबे हुए जहाज मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार होने की खबर है। पश्चिमी मीडिया ने इससे जुड़ी कुछ जानकारियां इंटरनेट पर डाली है और दावा किया कि मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे। हालांकि ये सभी जानते हैं कि घातक वॉरशिप मोस्कवा में बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात की गई थीं। P-1000 मिसाइलों को तो रूस खास तौर पर मोस्कवा के लिए ही बनाता था, ऐसी मिसाइलें जिनका एक ही बार दुश्मन को चित करने के लिए काफी हो, सटीक, तेज और घातक। खबर है कि मोस्कवा पर हमेशा दो ऐसी मिसाइलें रखी जाती थीं जिनके पेलोड के साथ परमाणु बम भी लगाए गए हों। हालांकि इस जानकारी का मतलब ये कतई नहीं कि मोस्कवा के जरिए रूस की तैयारी यूक्रेन पर कोई परमाणु हमला करने की थी, लेकिन युद्ध की रणनीति के तहत मोस्कवा में हमेशा परमाणु हमले का विकल्प रहता था। लेकिन मोस्कवा के डूबते ही दो परमाणु बम भी समुद्र में डूबने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो बड़े खतरे की घंटी होगी, क्योंकि समुद्र में डूबे परमाणु बम का समुद्र पर क्या असर होगा ये भी कहना मुश्किल है। समुद्र में जलते जहाज के डूबने से उन परमाणु बमों के फटने की आशंका है या नहीं ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि अगर मोस्कवा पर कोई परमाणु बम लगे थे तो जो समुद्र में डूब गए हैं, तो ये मसला जल्द ही ठंडा पड़ने वाला नहीं है। हालांकि रूस अब तक ये मानने को तैयार नहीं है कि मोस्कवा एक मिसाइल हमले की वजह से ढेर हुआ, बल्कि रूस का कहना तो ये है कि मोस्कवा के डूबने की वजह तकनीकी खामी की वजह से लगी आग बन गया।
रूस का कहना है कि जंगी जहाज में आग लगने के बाद उसे बुझाने की कोशिश हुई, कोशिश कामयाब नहीं हुई तो जहाज पर मौजूद नौसैनिकों को निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन मोस्कवा के डूबने पर दुनिया में खलबली जरूर है। अमेरिका कह रहा है कि उसके पास पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि इसे मिसाइल हमला ना मानने के कारण भी उसके पास नहीं है। मोस्कवा एक ऐसा जहाज था जो समुद्र में तैनात होकर आसमान की भी सुरक्षा करता था। ऐसे केवल 3 ही जहाज रूस के पास थे, जिनमें अब 2 ही बाकी बचे हैं। जाहिर है यूक्रेन की जंग के दायरे से निकलकर भी देखें तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है।